बहुत सारे प्लांट्स आए हैं, तो मेरा आई एम श्योर इससे मैं 2-3 प्लांटेड टैंक सेट कर सकता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। एक्वेरियम हॉबी में जो प्लांटेड टैंक के हॉबीस्ट हैं, जिनको प्लांटेड टैंक का बहुत ज़्यादा ही शौक है, वो आजकल बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वेदर वो पुराने हो या नए हॉबीस्ट हो जो अपना टैंक सेट करना चाहते हैं प्लांट्स। उसको आजकल मिलना मार्केट्स में अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, डिलीवरीज डिले हो रही हैं, आजकल माहौल ऐसा चल रहा है कि आपको टाइम पे चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और ये एक्वेरियम प्लांट्स बहुत ज़्यादा ही डेलिकेट होते हैं, जो ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में विदाउट वाटर विदाउट लाइट्स लॉन्ग डिलीवरीज में जो है काफ़ी दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकते। मेरे 4 प्लांटेड टैंक रेडी है, सॉयल एवरीथिंग इज़ रेडी, लेकिन मुझे प्लांट्स नहीं मिल रहे थे। बट आई केम अक्रॉस अ वेबसाइट जिसका नाम है एक्वा डेको, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, एक्चुअली एक्वा DCO नेचर गैलरी है, जो डील करते हैं प्लांटेड टैंक के स्टफ्स में, ऑल दी एसेसरीज, और उसके साथ ही जो है एक्वेरियम प्लांट्स में भी। तो उनसे मैंने एक्वेरियम प्लांट्स मंगाए, और पहले मैंने उनसे बात करी और मुझे जो भी रिक्वायरमेंट थी मैंने उनको बताई, तो उन्होंने बोला कि आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि जब बहुत गर्मी भी है और डिलीवरीज डिले हो रही हैं, उसमें अगर आपको 2-3 दिन में मिल रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर एक्वेरियम प्लांट्स। तो मैंने प्लांट्स ऑर्डर करे और मेरे प्लांट्स आ भी गए हैं, तो फाइनली मेरे प्लांट्स आज आ चुके हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम में डिलीवरी हुई है। मैं आपको पूरा अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, सारी डिटेल्स आपको आगे दूंगा, तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखें ताकि आप कोई भी पार्ट कोई भी डिटेल मिस ना करें। ये प्लांट्स एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे इस टैंक के लिए ही मैंने मंगाया है। रिसेंटली मैंने अजूर अक्वा की अनबॉक्सिंग करी थी, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ उसे भी चेकआउट करें। ये एक पहली WRGB लाइट है फॉर प्लांटेड टैंक जो इंडिया में बनी है। तो पैकिंग वगैरह बहुत अच्छी है, फर्म है, आई मीन प्रॉपर थर्माकोल बॉक्स में आया है जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और काफ़ी सील टाइट है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नाम वगैरह सब मेंशन है। रेलवे वालों की मुझे कॉल आ गई बिकॉज मेरी डिटेल भी इस पे मेंशन है, उन्होंने मुझे कॉल करके बता दिया कि आपका पार्सल आया है, तो मुझे पहले से जाके ढूंढना नहीं पड़ा, सीधे उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच गया। तो अब मैं प्लांट्स की कंडीशन चेक करूंगा। ओके, सो बहुत सारे एक्वेरियम प्लांट्स हैं क्यूब टैंक के लिए मैंने मंगवाए थे, मेरी रिक्वायरमेंट बस 7-8 पॉट्स की थी, लेकिन उन्होंने मुझे टिश्यू कल्चर्स के साथ साथ पॉट्स प्लांट भी भेजे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी वेरी मच मिस पिया फॉर सेंडिंग मी ऑल दोज ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट्स। रोटाला इंडिका AR मिनी, इसको अल्टरनेंथेरा रेकिनिकी मिनी कहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं। देन वी हैव सम पॉट प्लांट्स जो फार्म में जो है ग्रो करे जाते हैं लाइक इन अ नर्सरी, और ये जो टिश्यू कल्चर है ये लैब में बनते हैं। नाउ इससे पहले कि मैं आपको प्लांट्स की डिलीवरी और हेल्थ के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स और स्टेम प्लांट्स में जो फार्म के होते हैं उनमें क्या फ़र्क है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो इसके बाद प्रिपेयर करूँगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये पता रहे कि फ्यूचर में आप अगर कभी प्लांटेड टैंक सेट करना चाहते हो तो आप किन प्लांट्स में इन्वेस्ट करो, इसके क्या फ़ायदे हैं, और क्या मे बी अगर कोई नुकसान है तो क्या नुकसान है, और इन जो पॉट्स वाले होते हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, और उनके क्या कुछ थोड़े बहुत अगर ड्रॉबैक हैं तो वो क्या है, जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इन दोनों में, बिकॉज बोथ आर फॉर प्लांटेड टैंक, इन दोनों से ही हमारे टैंक सेट होते हैं, ठीक है, तो मैटर नहीं करता है, लेकिन किसको लेने से क्या फ़ायदे हैं उसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, आप सब लोग देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, लेकिन साथ ही साथ 2 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दें। सो द प्लांट्स आर वेरी हेल्दी, हर स्टेम टिश्यू कल्चर जो है सारे प्लांट्स ग्रीन है, बिल्कुल हेल्दी है, देखने में अच्छे हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे कंडीशन में आए हैं। यही नहीं, जो स्टेम प्लांट्स हैं वो भी ग्रीन और हेल्दी है। ये प्लांट मैंने 2 जून-जुलाई को ऑर्डर किया है, ठीक है, आज से ठीक 2 दिन पहले, आज 4 जुलाई है, तो मुझे आज मिल गए हैं 1.5 डे पे। और सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट ये है कि जो मैं आपको बता रहा था कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी जब होती है तो प्लांट्स मेल्ट होने लगते हैं, उनके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर 24-26 ऐसे रहता है। इनकी जो डिलीवरीज है वो इतनी अच्छी है कि आप देखें, इन्होंने जो है थर्माकोल के बॉक्स में आइस क्यूब्स आइस बैग डाल के भेजे हैं, ये अभी तो मेल्ट हो गए,
खोलने के बाद, लेकिन पहले ये पूरी तरह से जो है जमी होंगी और ये जो थर्माकोल है ये अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन करता है। कभी कभार आप लोगों की क्वेरीज होती है, कुछ लोगों की चॉइसेस होती हैं कि वो जो है किसी पर्टिकुलर ब्रांड का टिश्यू कल्चर कप या कोई एक पर्टिकुलर कंपनी से जो है पॉट्स के प्लांट मंगाते हैं, तो एक्वाडेको के पास जहाँ से मैंने मंगाया है आपको उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिलेगा। बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं इनके पास सारी रेंज अवेलेबल है, तो आप कि जो भी चॉइसेस हो आप डेफिनेटली उनसे इस चीज़ की क्वेरी कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी भी सेलर से आप अगर मिस पिया से भी कांटेक्ट करते हैं तो उनसे अपने नियरेस्ट स्टेशन को शेयर करें। इनके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप डिलीवरी के थ्रू भी ले सकते हैं, आप ट्रेन के थ्रू भी ले सकते हैं। ट्रेन इज़ द वेरी बेस्ट ऑप्शन दीज डेज, जिनको वेट नहीं हो रहा है, जिनको प्लांट जल्दी चाहिए। थोड़ा सा एफर्ट करना होगा आपको कि स्टेशन जाना होगा, जो भी आपकी सिटी में नियरेस्ट स्टेशन है वहाँ विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको आपका पार्सल मिल जाएगा। बस अपनी आईडी प्रूफ अपने साथ लेके जाएं। फाइनल चीज़ ये आ जाती है प्राइसिंग, या तो पॉट आप ले लें या ये टिश्यू कल्चर ले लें या आप ये स्टेम प्लांट्स ले लें। एक जनरल सी प्राइसिंग है, बहुत हाई प्राइसिंग नहीं है, तो एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल कि आप मिस पिया से कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप प्लांट्स ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ द राइट प्लेस। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वंस अगेन थैंक यू मिस पिया फॉर ऑल दोज प्लांट्स। अब मैं जल्दी से इसके बाद मैं होपफुली आई विल प्रिपेयर अ वीडियो अबाउट कि डिफरेंस बिटवीन टिश्यू कल्चर एंड पॉट, और फिर मुझे ये एक्वेरियम भी स्केप करना है। मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।